मैं खुद भी यहाँ पर कनकोडिया कॉलेज बहावलपुर में इस चीज़ को प्रमोट करने वाला हूँ और अलम्बरदार हैं हम इस चीज़ का कि हमारे तमाम क्लासरूम्स में मल्टीमीडिया लगे हुए हैं, हमारे तमाम क्लासरूम्स में LCDs लगी हुई हैं कि एक जो डायग्राम बनाने के लिए जहाँ पर घंटा लगता था वाइट बोर्ड के ऊपर, जस्ट ऑन वन क्लिक और उसको 3 डायमेंशन से अंडरस्टैंड करना, 4 डायमेंशन से अंडरस्टैंड करना तलबा के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आज हम लोगों ने यूलर्न ने यहाँ बहावलपुर विज़िट किया, यहाँ आपके बच्चों के साथ सेशन कंडक्ट किया प्रॉपर एक ई लर्निंग को लेकर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका एजुकेशन की फील्ड में खासा एक्सपीरियंस है, आपने खासा काम किया है एजुकेशन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं ये हमें फॉलो करने चाहिए, और आप पाकिस्तान में ई लर्निंग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यूलर्न की टीम को, मैं खुश आमदेद कहता हूँ बहावलपुर में, और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है वर्ल्ड वाइड एंड कंट्री वाइड के, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग और जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए तलबा की किस तरह से मदद की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, खसूसन जहाँ पर टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट तो हो रही है लेकिन यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ पॉजिटिव साइड इज़ अ बिट लेस। तो अब हमने इसको एजुकेशन में किस तरह से ब्लेंड करना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक आज पूरी दुनिया जब आपके एक वन क्लिक के ऊपर है, तो वाई नॉट कि हमें इन एक्सपीरियंसेस को एजुकेशन में भी लेना चाहिए। खसूसन जो आज बेस्ट प्रोफेसर्स हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, उनके लिए एक्सेस बड़ी आसान हो गई है कि वो बहावलपुर का बच्चा, रहीम यार खान का बच्चा, बहावल नगर में रहने वाला तालिब इल्म, वो चाहे तो उन्हीं असाज़ा से अपनी गाइडलाइन हासिल कर सकता है जिसे दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन और दुनिया के बेहतरीन तलबा उनसे रहनुमाई और इस्तफादा हासिल कर रहे हैं। सो, मैं ख़ुद भी यहाँ पर कनकोडिया कॉलेज बहावलपुर में इस चीज़ को प्रमोट करने वाला हूँ और अलम्बरदार हैं हम इस चीज़ का कि हमारे तमाम क्लासरूम्स में मल्टीमीडिया लगे हुए हैं, हमारे तमाम क्लासरूम्स में LCDs लगी हुई हैं कि एक जो डायग्राम बनाने के लिए जहाँ पर घंटा लगता था वाइट बोर्ड के ऊपर, जस्ट ऑन वन क्लिक और उसको 3 डायमेंशन से अंडरस्टैंड करना, 4 डायमेंशन से अंडरस्टैंड करना तलबा के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और खसूसन MD CAT की तैयारी के हवाले से जितनी एडवांसमेंट है, क्योंकि कोर्स जो है वो सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तक नहीं है, इसमें फेडरल बोर्ड भी शामिल है, इसमें हमारा ए लेवल के कुछ क्वेश्चन और टॉपिक भी शामिल है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर बाय वर्चू ऑफ ई लर्निंग, बाय वर्चू ऑफ IT अगर हम उसको इकट्ठा यकजा कर देते हैं, तो तलबा का टाइम भी बच जाएगा और ये मुस्तकबिल के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डअप कर देगा कि वो दुनिया के किसी इम्तिहान में, कोई ज़रूरी नहीं है कि MD CAT के एग्ज़ाम में वो अपेयर हों, वो SAT के इम्तिहान में अपेयर हों, वो आगा खान के टेस्ट में अपेयर हों, वो NUMS के मेडिकल साइंसेस में अपेयर हों, तो उन सब के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टूल हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। हर बच्चा देखता है और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए यू लर्न है पुरअज़्म, पाकिस्तान्स मोस्ट इनोवेटिव ऑनलाइन लर्निंग नेटवर्क।